So, Introduction to Temple Architecture in India. This is a special live class, and you all know that special classes are launched every day at 9 a.m. on Unacademy Plus website, and these classes are to assist you in your preparation. Okay, and charges जो होते हैं वो 1 rupees होता है, and registrations जो होते हैं वो 12 p.m. to 1:30 p.m. open रहते हैं. So daily आप check कर सकते हो. 9 a.m. पर a lot of special live classes are organized every day, launched every day. So now let's begin the class, Introduction to Temple Architecture in India. So I have launched a new course on Unacademy Plus website. This is comprehensive module on Indian art and culture. इससे related कोई भी doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. 20 classes में ये जो है ये complete हो जाएगा. This is the website link. Now a lot of people were asking about that why did you bring this course on Plus website. So first of all these are benefits of Plus platform. एक तो ये टू वे इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अनअकेडमी पर जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है उसमें लॉट ऑफ पीपल वर हैविंग डाउट्स, लाइक बहुत सारी चीज़ों में डाउट्स थे उनको, लार्जेस्ट गोपुरम एंड ऑल पता नहीं. तो दैट इज़ वाई इट विल बी अ टू वे इंटरेक्शन. यू कैन आस्क ऑन द स्पॉट डाउट्स एंड विद इन टाइम लिमिट द कोर्स शैल बी कम्प्लीटेड. एंड इसमें मैं आपको प्रिलिम्स प्लस मेन्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँगी. आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोज एंड PDF सब कुछ अवेलेबल होगा. ओके, सो बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर. अब टेम्पल आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो हाईली इम्पोर्टेंट है प्रिलिम्स एज वेल एज मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे प्रिलिम्स में पिछले कुछ सालों से 12 to 15 क्वेश्चन जो हैं वो देखा जाए तो 12 to 15 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ जाते हैं. क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि एंशियंट और मिडिवल वाला जो पार्ट होता है वो भी आर्ट एंड कल्चर के पर्स्पेक्टिव से ही पूछा जाता है. ठीक है, सो दैट इज़ वाई आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, वी कैन नॉट इग्नोर दिस सेक्शन, एंड इट दैट इज़ वाई आई हैव ब्रिंग अप दिस टॉपिक. दिस इज़ द फर्स्ट एवर टॉपिक इन अवर आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, दैट इज़ टेम्पल आर्किटेक्चर. सो पहली बात तो व्हाट डू द टेम्पल्स रिप्रेजेंट. ओके, इंडियन हिस्ट्री में टेम्पल्स का रेलिवेंस क्या है. आपको पता है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में लॉट ऑफ टेम्पल्स वर बिल्ट, ए लॉट ऑफ टेम्पल्स डेवलप्ड अंडर डिफरेंट रिलीज, अंडर डिफरेंट डायनेस्टीज. ठीक है, डिफरेंट डायनेस्टीज में कई सारे टेम्पल्स आए. तो लेकिन एक बेसिक जो थिंग है इंडिया के टेम्पल्स में वो ये है, एक तो द आइडियल्स ऑफ बिलीफ, आइडियल्स ऑफ धर्मा आर एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स. किसी रिलीजन का जो एसोसिएशन है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर है. वैल्यूज, द वे ऑफ लाइफ चेरिस्ट अंडर हिंदुइज्म. बेसिकली अगर हम नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स की बात करें तो मुस्लिम इन्वेजन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा हुआ था. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई सदर्न इंडिया में इवन लेटर पीरियड तक टेम्पल्स बनते रहे थे. नॉर्दर्न इंडिया में हमें मेनली बहुत सारे टेम्पल्स मिलते हैं मतलब, लेकिन मुस्लिम इन्वेजन की वजह से लॉट ऑफ टेम्पल्स गॉट डिस्ट्रॉयड, आइदर दे गॉट डिस्ट्रॉयड या फिर वो उन्होंने अपने तरीके से आर्किटेक्चर में चेंजेस ला दिए. बट द टेम्पल इज ऑलवेज ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. ओके, हमेशा से ही, शुरू से ही टेम्पल जो है एक प्लेस रही है जहाँ पर वर्शिप करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं. हर बारी कोई ना गॉड गॉडेस जो है वो एसोसिएटेड रहता है टेम्पल्स के साथ. तो वो सारी चीज़ें हम इस लेसन में देखेंगे. सो बेसिकली इन इंडिया टेम्पल्स रिप्रेजेंट ऑल दिस थिंग्स. नाउ इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है टेम्पल्स का. टेम्पल्स का जो इवोल्यूशन है वो कई सारे स्टेजेस में माना जाता है. सबसे पहले टेम्पल्स सिर्फ नॉर्मल टेम्पल्स होते थे, बहुत ही सिंपल टेम्पल्स, स्क्वेयर बना हुआ होता था, शैलो पिलर्स जैसे इस टाइप से छोटे छोटे डिस्टेंस पर पिलर्स होते थे, रूफ जो होती थी फ्लैट होती थी, कोई शिखर नहीं होता था. ऑल्सो देवर ऑल बिल्ट ऑन लो प्लेटफॉर्म. इवन जो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म आया था जिसको जगती बोलते हैं, दैट केम इन द लेटर पीरियड्स. ओके, पहले सिर्फ सिंपल, दिट वॉज वेरी वेरी सिंपल इन द फर्स्ट स्टेज. ओके, एंड दिस वॉज द सेकेंड स्टेज, इट वॉज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द फर्स्ट स्टेज. इसी का अपग्रेडेड वर्जन था. इसमें चेंज क्या हुआ था, एक तो जो प्लेटफॉर्म था वो अप्रेज कर दिया था, एंड दिस केम टू बी नोन एज द जगती. एंड दिस इज़ ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द नॉर्दर्न इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. जैसे उड़ीसा वाले जो आर्किटेक्चर है उसमें ज़्यादातर ये मिलता है अप्रेज प्लेटफॉर्म. सेकेंड स्टोरी इसमें ऐड कर दी गई थी. ये सिर्फ फर्स्ट स्टोरी, वन स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, बट नाउ दिस बिकेम्स टू स्टोरीज बिल्डिंग
एंड पार्वती टेम्पल इन मध्य प्रदेश इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल. देन थर्ड स्टेज में शिखर वॉज एडिड. शिखर जो होता था, शिखर बेसिकली पाया जाता है नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स में. सदर्न इंडिया के टेम्पल्स में इट इज़ नोन एज द विमान. ओके, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, इफ समबडी आस्क यू द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर का एवोल्यूशन इन मीन्स दिस इज अ वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो उसमें आपको ये सारे एक्सप्लेन करने हैं. ओके, शिखर वॉज एडिड. दस अवतार टेम्पल इन देवगढ़ यूपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. ओके, देवगढ़ टेम्पल. एंड देन सर्कुलर बेस. लास्ट टाइम में बेस जो था वो सर्कुलर बनाया गया. दिस इज द मान्यार मठ इन राजगीर, बिहार में राजगीर हिल्स में दिस इज लोकेटेड. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल्स इन इंडिया. बेसिकली देर आर टू इम्पोर्टेंट क्रिएशंस, टू इम्पोर्टेंट टेक्स्ट. वन इज शिल्प शास्त्र, अदर वन इज वास्तु शास्त्र. ऑल दिस रिप्रेजेंट द आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया. इन्होंने बस तीन ही स्कूल बताए थे, दैट वॉज नगर, द्राविडियन एंड वेसारा. तीन प्रोमिनेंट स्कूल्स बताए थे, लेकिन लेटर पीरियड्स में अदर स्कूल्स भी जो थे वो भी डेवलप हुए थे, जैसे होयसाला आर्किटेक्चर एंड पाल एंड सेन स्कूल भी आगे फर्दर डेवलप हुआ था. इन बिटवीन द क्लास कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कुछ भी किसी से रिलेटेड भी डाउट है, देन प्लीज़ आस्क स्ट्रेट अवे. क्योंकि ये जो चैट का ऑप्शन है ये इसीलिए ताकि आपको कोई भी डाउट आए तो आप ऑन द स्पॉट मुझसे पूछ सको. ठीक है, एंड फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ कीप रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है. मुझे पता होना चाहिए कि यू आर गेटिंग एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू. ओके, थैंक्स सूरज. सो एंशियंट इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर ऑलमोस्ट ऑल द रीजन्स में डेवलप हुआ था. जैसे हम बात करें ऊपर वाले रीजन की, नॉर्दर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट, वहाँ पर नगर स्टाइल था. नीचे जो था साउथ इंडिया में वो टाइप था, साउथ इंडिया में द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था, द्राविडियन. ओके, उड़ीसा भी जो है, उड़ीसा खजुराहो, ये सब उसी का पार्ट है. द डिस्टिंक्ट आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स वॉज ए रिजल्ट ऑफ जियोग्राफिकल, क्लाइमेटिक, एथनिसिटी, वहाँ के लोगों के ट्रेडिशंस कैसे हैं, रेशियल, हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ के हिसाब से इन डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड. बट जो एक बेसिक थीम था वो सेम था, आइदर देवर फॉर द रिलीजियस पर्पज और देवर फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज और देवर द सेंटर ऑफ एजुकेशन. पहले जैसे यूरोपियन में क्या होता था, जो यूरोप्स वगैरह के स्टेट्स थे वहाँ पर जो चर्च होता था, चर्च वॉज द हाइएस्ट प्लेस ऑफ एजुकेशन माना जाता था. उसी तरह से एट दैट टाइम इंडिया में जो टेम्पल्स होते थे देवर कंसिडर्ड एज ए सेंटर ऑफ एजुकेशन एज वेल. ओके, सो ए लॉट ऑफ बिलीव्स, ए लॉट ऑफ वैल्यूज वर एसोसिएटेड विद द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया. ओके, एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पार्ट मिलता है इंडिया में के टेम्पल्स में, दैट इज़ द डेकोरेशन. नॉट ओनली द टेम्पल्स, इवन जो गॉड्स, गोडेसेस, जो डाइटीज होते हैं वो भी डेकोरेटेड होते हैं. आपने देखा होगा कि फ्लावर्स वगैरह से, ज्वेलरी वगैरह से दे यूज टू वेयर लॉट ऑफ डेकोरेशन. जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है ये, साउथ इंडिया में मोर प्रोमिनेंटली होता है नॉर्दर्न इंडिया की बजाय. एंड दे वहाँ पर ज़्यादा, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि वहाँ पर ज़्यादा जो टेम्पल आर्किटेक्चर था वो डेवलप हुआ था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ड्यू टू मुस्लिम इन्वेजन एक तरह से कई सारे टेम्पल्स आइदर रुइन हो गए थे या फिर वहाँ पर ज़्यादा वो मुस्लिम रूलर्स ने ज़्यादा केयर नहीं की थी. ओके, सो कई सारे स्कल्पचर में, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स में ये जो डेकोरेशन है दिस इज प्रोमिनेंटली शोन. ओके, मेन जो इंडियन टेम्पल्स है उनमें एक तो गर्भगृह होता है. गर्भगृह के अंदर वो गॉड और गोडेस होता है उसको रखा जाता है. आपको पता है जब आप किसी भी हाउस में जाते हो, किसी भी टेम्पल में, सबसे पहले एंट्रेंस होता है. एंट्रेंस के बाद एक असेंबली हॉल होता है जहाँ पर पीपल यूज टू गैदर, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं. उसके बाद अंदर जो गर्भगृह होता है उसके अंदर द गॉड और गोडेसेस पुटअप, किसी देवी या देवता को रखा जाता है. एंड उसके चारों तरफ एक पाथ होता है, चारों तरफ पात होता है. दैट इज़ अ टिपिकल हिंदू टेम्पल, आपने हर किसी ने देखा होगा. वो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ हिंदू टेम्पल होता है. ओके, यस, मंडप जो होता है वो असेंबली हॉल होता है, वे पीपल यूज टू वर्शिप, जहाँ पर पीपल एंटर करते हैं. गोपुरम जो होता है वो आगे गेटवे होता है, एंट्रेंस हॉल होता है गोपुरम. सो इनिशियल स्टेजेस में द टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया
were distinguished on the basis of some specific feature like शिखर and the gateways. अब बात ये थी कि northern और southern type जो थे, a lot of things were common between the northern north Indian temples and south Indian temples, but कई सारे differences भी थे. पहला difference था कि north Indian temples शिखर was the more prominent. शिखर अगर आपने समझना हो, सिर्फ एक शिखर एक curvy linear इस type से curvy type curve type से inner curve होता था. ठीक है, इनर कर्व इस टाइप से एक वो होती थी आर्किटेक्चर. ओके, गेटवे जो होता था, गेटवे वाज वेरी जनरली अनअज्यूमिंग, गेटवे इसमें नहीं होता था. गेटवे जो होता था दैट वाज ए मोर प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ साउथ इंडियन टेंपल, मोर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ साउथ इंडियन टेंपल. मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर जो था उसमें एक तो बाउंड्री वॉल्स होती थी. ऑल द साउथ इंडियन टेंपल्स आर एनक्लोज्ड विद इन बाउंड्री वॉल्स. ओके, आउटर बाउंड्री वॉल, इनर बाउंड्री वॉल. अगर हम नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की बात करें तो बाउंड्री वॉल्स उनमें नहीं मिलती है, एक्सेप्ट द उड़ीसन आर्किटेक्चर. उड़ीसा के जो टेम्पल्स होते हैं देयर द बाउंड्री वॉल्स आर प्रेजेंट, वहाँ पर बाउंड्री वॉल्स प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज़ ए एक्सेप्शन. वो चीज़ याद रखना क्योंकि यूपीएससी हमेशा कन्फ्यूज करता है. तो ये मत सोचना कि उड़ीसा का जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ नगर स्टाइल, तो वहाँ पर बाउंड्री वॉल्स नहीं होती है, लेकिन वहाँ पर होती हैं. ठीक है, लाइक द द्राविडियन स्टाइल. ओके, रेस प्लेटफॉर्म को जगती बोलते हैं, JAGATI. आई एम टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग, यू जस्ट बी पेशेंट क्योंकि सारी चीजें एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर. ओके, सो ह्यूज गेटवेज. नाउ टॉकिंग अबाउट द गेटवेज, गेटवेज आर वेरी स्मॉल इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. गेटवे बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते थे. इन द लेटर स्टेजेस गेटवे को ज्यादा डेकोरेट किया जाने लगा एंड दे केम टू बी नोन एज द तोरण. ठीक है, उनको तोरण बोला जाने लगा. बट इन द इनिशियल स्टेजेस गेटवेज वर लाइक ऑलमोस्ट अनअज्यूमिंग, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट वो होते थे. बट इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स गेटवेज यूज टू बी रियली बिग, रियली लार्ज गेटवेज होते थे. एंड देर आर सर्टेन कॉमन फीचर्स एज वेल इन नॉर्दर्न एंड साउथ सदर्न इंडियन स्टाइल्स, वो हम आगे देखेंगे. तो फॉर द टाइम बींग नॉर्थ और साउथ में डिफरेंसेस क्या क्या थे. नॉर्थ में शिखर वॉज यूज, इन द साउथ इंडिया में विमान वॉज यूज. ओके, विमान होता था. इसमें गेटवे जो होते थे दे वर वेरी स्मॉल. इन साउथ इंडिया गेटवेज वर वेरी ह्यूज. दिस वॉज द बेसिक टेम्पल ऑफ हिंदू स्ट्रक्चर, टेम्पल कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग. ठीक है, तो सबसे पहले एक आता था सेंक्टम सेक्टोरम. इट वॉज ऑल्सो नोन एज गर्भगृह. गर्भगृह वॉज द मेन प्लेस वेयर द मेन आइडल यूज टू बी केप्ट. मंडप पिलर्ड होल होता था, पिलर्ड होल लाइक मंडप इस टाइप से. हेयर द डाइटी यूज टू बी केप्ट. यहाँ पर लोग एंटर करते थे, पीपल यूज टू एंटर. एंड ये असेंबली हॉल यहाँ पर होता था. और एक ये जो पाथ है, दिस वॉज द सर्कम्बुलेटरी पाथ. यहाँ पर ये चारों तरफ, एंड दिस इज द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ नगर स्टाइल. ओके, हिंदू टेम्पल्स का मेनली शिखर और विमान. इन साउथ इंडिया टेम्पल विमान यूज टू बी विमान जो होता था वो होता था ऑन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टेम्पल पर विमान होता था. बट इन नॉर्थ इंडिया शिखर वॉज यूज, इट वॉज ए माउंटेन लाइक ऐसे होते थे. मैं आगे बताऊंगी आपको. एंड देन दो वॉज द वाहन, द व्हीकल ऑफ द टेम्पल्स मेन टाइटी. यस, गर्भगृह एक्चुअली वेयर द गॉड और गोडेस यूज टू बी केप्ट. All these things are mentioned here, each one by one, like sanctum sanctorum, it was like womb house भी इसको बोलते हैं. And here, later it grew into a larger complex. पहले in the earliest initial stages, this used to be small. ये छोटा होता था, but in the later stages, it became larger. Like this, okay. Here the, this is the गर्भगृह. यहाँ पर main जो god या goddess होती थी, it used to be kept. वाहन बेसिकली इस टाइप से होता है, जैसे कोई डाइटी को लाइक सम टाइप्स ऑफ व्हीकल. इट इज़ नॉट एग्जिस्टेंट इन ऑल द टेम्पल्स, सारे टेम्पल्स में नहीं होता है. जैसे कहीं पर रथ वगैरह यूज़ किया जाता है टू कीप द गॉड और गोडेस, तो दैट इज़ नोन एज द वाहन. सो मंडप इज़ द एंट्रेंस टू द टेम्पल. एंट्रेंस होल होता है जहाँ से वर्शिपर यूज टू एंटर. ठीक है, जहाँ से वर्शिपर एंटर करते हैं. समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज एज द एंटरटेन, फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, लाइक कई सारे डांस एंड अदर परफॉर्मेंसेज आर यूज टू बी प्रैक्टिस हियर. ठीक है, तो मंडप एक खुला हॉल होता था, असेंबली हॉल भी इसको बोलते हैं. देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मंडप्स इन डिफरेंट साइजेस. अकॉर्डिंग टू द साइजेस देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मंडप्स, अर्ध मंडप, मंडप एंड देन महामंडप. ये लार्ज होता था, दिस यूज टू बी द मंडप जो असेंबली हॉल नॉर्मल, ये स्मॉल होता था, स्मॉल साइज का. नेक्स्ट इज शिखर और विमान.
दे आर माउंटेन लाइक, इस टाइप से ये होती थी, ठीक है, स्ट्रक्चर्स. शिखर इज फाउंड इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स एंड विमान इज फाउंड इन साउथ इंडियन टेम्पल्स. ओके, ये जो होते, दिस इज द शिखर वाइल दिस इज विमान. विमान जो होता है वो साउथ इंडियन टेम्पल्स में मिलता है वाइल शिखर इज फाउंड इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. दिस इज अनदर पिक्चर ऑफ दिस शिखर एंड विमान. एंड नेक्स्ट वॉज अमलक. दिस इज लाइक, दिस इज ए नगर स्टाइल एंड दिस केम टू बी, दिस इज द अमलक. ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है अमलक. ओके, एंड दे आर मोर कॉमन इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स पर ही ज़्यादा पाए जाते हैं. अमलक के ऊपर कलश होता है. कलश इज द टॉप मोस्ट पार्ट. ओके, कलश जो होता है वो टॉप मोस्ट पार्ट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल एंड कॉमनली सीन इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. जगती इज एक्चुअली द रेस्ड प्लेटफॉर्म. इन स्पाइट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम द लो प्लेटफॉर्म, जो टेम्पल्स ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं, लाइक अपरेस्ड प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं जगती. समटाइम्स पीपल यूज टू सिट देयर, मतलब ऐसे वो एक ब्लैंक स्पेस पे होता है जहाँ से शुरू होते हैं, क्योंकि टेम्पल थोड़ा सा बीच में से जाके शुरू होते हैं, तो उसको जगती बोलते हैं. ओके, वाहन मैंने एक बता दिया, क्योंकि एक टाइप से माउंट और व्हीकल होता है. इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवरी टेम्पल, किसी किसी टेम्पल में होता है. ऑफ द टेम्पल्स मेन डेटी अलोंग विद ए स्टैंडर्ड पिलर. नाउ नेक्स्ट कम्स द स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. देर आर डिस्टिंक्ट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. नगर, द्राविडियन, नायका स्टाइल, वैसारा स्टाइल, होयसाला स्टाइल एंड देन विजयनगर आर्ट, पाल एंड सेन स्कूल. इसमें द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस इंक्लूड नगर स्टाइल, द्राविडियन स्टाइल एंड वैसारा स्टाइल. दिस आर ऑलवेज द फेवरेट ऑफ यूपीएससी. हमेशा यूपीएससी इन सबसे क्वेश्चन पूछती है. सो सबसे पहले द फर्स्ट पार्ट इज नगर स्टाइल. नगर स्टाइल इज मोर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, लाइक द सेंट्रल एरिया. सेंट्रल एरिया विच इज लाइक एमपी वाला एरिया, देन वेस्टर्न पार्ट मीन्स राजस्थान वाला जो पार्ट है, देन ईस्टर्न पार्ट असम बंगाल वाला जो पार्ट है, एंड देन नॉर्दर्न इंडिया ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पर नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड. 5th century AD onwards मोस्टली इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया. And the most prominent features are Panchayatan style. It followed the Panchayatan style. In Panchayatan style में क्या होता है, 5 shrines होती हैं, बीच में एक main shrine होती है and चारों तरफ 4 छोटी shrines होती हैं, small shrines. And this is known as the Panchayatan style. In most of the northern style architecture, northern temples, Panchayatan style is common. वंस यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि पंचायतन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें नीचे दिया हुआ था टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज वन ऑफ द ऑप्शन, तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. इसमें अर्लीस्ट टेम्पल्स हैड ओनली वन शिखर. पहले जो टेम्पल्स होते थे वहाँ उनका एक ही शिखर होता था. शिखर टेम्पल के ऊपर एक वो होता है टावर टाइप से, ऐसे होता है कर्व फिगर होती है, कर्व इनर कर्व फिगर होती है. बट इन लेटर पीरियड्स मल्टीपल शिखर्स केम टू बी इन बींग केम टू बी यूज. ओके, पहले सिर्फ एक ही शिखर होता था, बट इन लेटर स्टेजेस टू और मोर शिखर्स वर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स. टेम्पल्स वर जनरली बिल्ट ऑन अपरेस्ड प्लेटफॉर्म विच केम टू बी नोन एज द जगती. ओके, पंचायतन मैं आपको बताऊंगी आगे. विद द फिगर आई हैव एक्सप्लेन द पंचायतन स्टाइल. सो मैंने अभी जस्ट ब्रीफ बताया, आगे मैंने डाला हुआ एक स्लाइड में. ओके, प्रोमिनेंट फीचर्स आर लाइक शिखर्स, गर्भगृह एंड द मंडप. दीज आर द बेसिक नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. एक इम्पॉर्टेंट फीचर, इट डिड नॉट हैव एनी इलेबोरेट बाउंड्री वॉल्स. ठीक है, बाउंड्री वॉल्स नहीं होती थी आउटसाइड द टेम्पल. ठीक है, टेम्पल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे, जनरली ओपन एरिया ही होता था. ओके, लाइक दिस इज द मेन फिगर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस यूज टू बी कैप्ट आउटसाइड द गर्भगृह. नो वाटर टैंक और रिजर्वॉयर इन द टेम्पल प्रिमाइस. जो सदर्न टेम्पल होते हैं उनमें वाटर टैंक और रिजर्वॉयर पाए जाते हैं, बट इन नगर स्टाइल देर इज नो वाटर टैंक और रिजर्वॉयर. लाइक दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ये जो होता है कर्व फिगर, दिस इज नोन एज द शिखर. कर्व फिगर होती है, इनर कर्व होती है. ओके, एंड ऊपर डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज अमलक. ऊपर जो होती है सबसे टॉप मोस्ट पार्ट दैट इज कलश. ओके, ये जो होता है दिस इज मंडप, दिस इज असेंबली हॉल. इससे पहले ये अर्ध मंडप है,
और जनरली तीनों टाइप्स के मंडप्स पाए जाते हैं नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, इस मंडप के अंदर जाते हैं देर इज गर्भगृह. ओके, गर्भगृह इनसाइड द मंडप. ओके, मंडप से लेकर गर्भगृह के बीच का जो रास्ता होता है दैट इज नोन एज द अंतराल. ओके, अंतराल आपको पता है, अंतराल इज ए हिंदी वर्ड फॉर डिफरेंस. तो अंतराल बोलते हैं गर्भगृह से मंडप तक, मंडप से गर्भगृह जाने का जो रास्ता होता है. ओके, गर्भगृह में इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गोडेसेस आर फाउंड. यस, इट डज रिप्रेजेंट ए लाइक वाटर लेक और पूल ऑफ वाटर. यस, वाटर टैंक होते थे. वाटर टैंक की जो स्टेप्स होती थी वो भी डेकोरेटेड होती थी. ओके, एंड दिस इज ए फीचर ऑफ साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये याद रखना. ओके, नाउ दिस इज द, आप ये देख लेना, द PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू. ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्लीज ज्वाइन द फेसबुक ग्रुप, डिस्कशन फोरम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं PDF डाल दूंगी. ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ नगर स्टाइल्स आर खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, सन टेम्पल कोनार्क विच इज़ द बिगेस्ट टेम्पल. ओके, बिगेस्ट टेम्पल है ये. सन टेम्पल एट मोडेरा गुजरात, उरी ओशियन टेम्पल इज लोकेटेड इन गुजरात. ठीक है, इसको उड़ीसा से प्लीज डू नॉट गेट कन्फ्यूज, इसको उड़ीसा मत समझा. इट इज ओशियन टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन गुजरात. दिस इज सन टेम्पल, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पेगोडा. ओके, ये ईस्टर्न फेसिंग है. ठीक है, ईस्टर्न फेसिंग, ताकि रोज जो सन की रेज है वो इसके ऊपर डायरेक्टली पड़ आ सके. पेगोडा इज ए टाइप ऑफ बिल्डिंग. पेगोडा इज ए वर्ड यूज फॉर बिल्डिंग ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स पीरियड. ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी ये पेगोडा जो समथिंग ये यूज में था. ठीक है, तो बिल्डिंग को पेगोडा बोलते हैं. नाउ दिस इज द पंचायतन स्टाइल, लाइक दिस इज द मेन श्राइन एंड देर आर फोर सब्सिडरी श्राइन्स. ओके, दिस इज द मेन श्राइन एंड देर आर फोर सब्सिडरी श्राइन्स आउटसाइड द मेन श्राइन. दिस केम टू बी नोन एज द पंचायतन. पंचायतन में पंच का क्या मतलब होता है? फाइव. मीन्स देर आर फाइव श्राइन्स प्रेजेंट इन द टेम्पल. ओके, संस्कृत वर्ड से ये बना हुआ है. जनरली द हिंदू टेम्पल्स आर बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पंचायतन स्टाइल. दीज आर द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ पंचायतन स्टाइल. इसमें सबसे ओल्डेस्ट पंचायतन टेम्पल जो है दैट इज द दशावतार टेम्पल, लोकेटेड इन सिचुएटेड इन देवगढ़ उत्तर प्रदेश. दिस इज द ओल्डेस्ट पंचायतन टेम्पल इन इंडिया. अदर पंचायतन टेम्पल्स आर मेनली, ये जो सारे टेम्पल्स है दीज आर ऑल नगर स्टाइल. ओके, पंचायतन जो है दैट इज ए फीचर ऑफ नगर स्टाइल. ओके, सो दोज ऑल दीज आर नगर स्टाइल टेम्पल्स, तो प्लीज गो थ्रू इट. नाउ इन नगर टेम्पल आर्किटेक्चर शिखर भी अलग अलग टाइप से होता था. ऑन द बेसिस ऑफ शिखर देर आर मेनली थ्री सब टाइप्स. ओके, थ्री टाइप्स ऑफ नगर टेम्पल डिपेंडिंग अपॉन द शिखर. शिखर की शेप कैसी होती थी? एक तो होता है रेखा प्रसाद और लेटिन, दूसरा होता है फमसाना, तीसरा होता है वल्लभी. रेखा प्रसाद जो होता है ये सबसे ज़्यादा सिंपल होता है, सबसे ज़्यादा सिंपल. लाइक बेस जो होता है वो स्क्वेयर होता है और इस टाइप से कर्व्ड होता है. दिस इज लाइक क्वाइट सिंपल. और स्क्वेयर एट द बेस एंड वॉल्स कर्व इनवर्ट टू ए पॉइंट ऑन द टॉप. ऊपर में ऐसे एक पॉइंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर यहाँ पर अमलक होता है एंड देन कलश होता है. ओके, लेटिना टाइप्स आर मेनली यूज फॉर हाउसिंग द गर्भगृह. अब शिखर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मेन बड़ा जो टावर होता था उसके ऊपर रखा जाता था. मैंने आपको बताया था मल्टीपल शिखर्स केम टू बी यूज. ठीक है, तो अलग अलग शिखर्स होते थे, जैसे मंडप के ऊपर अलग होता था, गर्भगृह के ऊपर अलग होता था. तो टॉप इज कॉल्ड, इसको जो टॉप को बोलते हैं दिस इज नोन एज द लेटिना. एंड रेखा प्रसाद इज द टाइप ऑफ शिखर. नेक्स्ट केम द फमसाना शिखर्स. फमसाना में बेसिकली क्या होता है, फमसाना बिल्डिंग्स टेंड टू बी ब्रॉडर एंड शॉर्टर देन द लेटिना बिल्डिंग्स. जहाँ पर लेटिना शिखर होता था उनसे छोटी ये होती थी, लेकिन उनसे चौड़ी होती थी, उनसे ब्रॉडर होती थी. ओके, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, पिक्चर से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ. लाइक दिस इज द फमसाना, ये फमसाना है और इसमें ज़्यादातर जो शिखर होता था वो वाइडर होता था. ठीक है, वाइडर होता था, कर्व्ड होता था लेकिन वाइडर ज़्यादा होता था, लेकिन शॉर्टर होता था, ऊपर तक नहीं जाता था, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हाइट का होता था. जैसे यहाँ पर ये दिख भी नहीं रहा है ऐसे, इस टाइप से. दिस इज द शिखर. इन मैनी नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स फमसाना वॉज यूज फॉर मंडप एंड लेटिना फॉर गर्भगृह. ये आपको याद रखना जरूरी है.
गर्भ क्रिया का जो शिखर होता था दैट वॉज ऑफ द रेखा प्रसाद स्टाइल, एंड मंडप वाला जो शिखर होता था दैट वॉज ऑफ द फमसाना स्टाइल, एंड इट वॉज शॉर्टर देन द रेखा प्रसाद स्टाइल. वल्लभी जो होता था दैट वॉज ए रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद ए रूफ दैट राइजेज इन टू ए वॉल्टेड चैम्बर. इस टाइप से इसमें शिखर कर्व्ड नहीं होता था. प्लीज टू रिमेंबर दैट इस टाइप से कर्व नहीं होता था, इनर कर्व नहीं होता था, ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप से ये होता था. ठीक है, इन द वल्लभी. तो मोस्ट ऑफ द नगर स्टाइल में वल्लभी बिल्डिंग्स बहुत ही कम मिलती हैं. ठीक है, वल्लभी बिल्डिंग्स ज़्यादा मिलती ही नहीं है. सो डिपेंडिंग अपॉन द शिखर टाइप देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया. देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ टेम्पल्स, रेखा प्रसाद, फमसाना एंड वल्लभी. वल्लभी सबसे मिनिमम यूज़ किया जाता है और रेक्टेंगुलर शिखर होता है इसमें. फमसाना में कर्व्ड शिखर होता है बट इट इज़ स्मॉलर देन द रेखा प्रसाद शिखर. Now there is a question for you to attempt. Discuss the distinctive features of Nagar style of Indian architecture and also state the important varieties of this style and their chief features. तो important varieties यहाँ पर हो जाएंगी, जैसे शिखर के base पे जो अभी हमने varieties discuss की शिखर के basis पे, and और सारी चीज़ें distinctive features जो हो गई. एक तो ये हो गया कि gateway, presence of gateway was very less. गेटवे वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, बहुत ही कम एक तरह से गेटवे मिलता है, बहुत छोटा गेटवे ऐसे मिलता है. शिखर, मल्टीपल शिखर्स दूसरा फीचर हो गया, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया शिखर्स, इवन मल्टीपल शिखर्स इन लेटर पीरियड. ओके, और उसका तीसरा फीचर हो गया नो वाटर टैंक. ठीक है, चौथा हो गया गॉड और गॉडेस इज यूज टू बी कैप्ट इन द गर्भगृह. बाकी आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करना है कि शिखर होता है उसके ऊपर अमलक होता है, देन कम्स द कलश. गर्भगृह से लेकर मंडप तक का जो वो होता है दैट इज नोन एज द अंतराल. और मंडप जो है, मंडप असेंबली हॉल होता है विच इज ऑल्सो यूज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पजेज लाइक डांस एंड अदर आर्ट आर्ट यूज टू बी परफॉर्म देयर. और वो सारी चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होंगी. सो प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई भी डाउट है देन प्लीज़ प्लीज़ आस्क क्विकली, क्योंकि ये पूरा कवर करना हमें. Any doubt till now? Okay. Okay, thanks. Thanks, Nikita. So next comes the difference between Famsana and Famsana and which one? Dekho, difference between Famsana and Latina. Okay. Famsana and मैं आपको यहाँ पर फिगर बताती हूँ. लेटिना में, इन लेटिना द शिखर यूज टू बी कर्व्ड, कर्व्ड होता था, एंड द बेस यूज टू बी द स्क्वेयर. स्क्वेयर बेस के ऊपर शिखर होता था एंड इट राइजेस टू द टॉप पॉइंट. टॉप पॉइंट का मतलब है इट यूज टू बी द बिग बिग शिखर होता था इन लेटिना. ओके, इन लेटिना देर वॉज लार्ज शिखर. ओके, बट इन फमसाना द शिखर वॉज वेरी शॉर्ट एंड ब्रॉडर. दिस इज द दिस मे बी द ब्रॉड एंड शॉर्टर होता था, एंड ये ऊपर टॉप पॉइंट तक भी नहीं जाता था. सो इट वॉज वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू शॉर्टर एज कम्पेयर टू फमसाना. एंड इन वल्लभी स्टाइल द शिखर वॉज मोस्टली द रेक्टेंगुलर इन वल्लभी. ओके, ये मोस्टली रेक्टेंगुलर होता था. इट वॉज नॉट यूज टू बी कर्व्ड, कर्व्ड नहीं होता था. सो दिस वॉज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द थ्री, एंड दिस टू आर मोस्टली यूज इन नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स while the later one is not used. Okay, thanks. Thank you, Harish. So later stages mein there were main three schools, three sub schools that developed in the North Indian Nagar style mein, in Nagar style. Okay, one was Odisha school, the other one was Khajurao school, the third one was Solanki school. Now let's understand about those in one by one. So first was Odisha school. उड़ीसा स्कूल मेनली इट फ्लावरिश्ड इन द कलिंग एम्पायर वाला जो एरिया था, वेयर द कलिंग एम्पायर फ्लावरिश्ड. इट वॉज द पार्ट ऑफ एंशियंट पुरी एंड कोणार्क रीजन. ओके, इट वॉज ऑल्सो केम टू बी, इट ऑल्सो केम टू बी नोन एज द कलिंग स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. क्योंकि बट कलिंग स्कूल एक तरह से डिफरेंट था क्योंकि उसमें डेकोरेशन ज़्यादा थी. ओके, हियर द शिखर, शिखर को बोला गया है एज रेखा ड्यूल. दिस इज द डिफरेंस. Shikhar has been known as, has been called as Rekha Dual in Odisha school. It is vertical almost until the top.
ऊपर जैसे लेटिना स्टाइल था, मैंने आपको बताया था लेटिना और रेखा प्रसाद में, इट वॉज लाइक टॉप तक ये वर्टिकल जाता था, ठीक है, अनटिल द टॉप, ठीक है, कर्व होता था, एंड दिस केम टू बी नोन एज द रेखा ड्यूल. ड्यूल्स आर प्रिसीडेड एज यूजल बाई मंडप्स. मंडप्स केम टू बी नोन एज द जगमोहन. मंडप्स को जगमोहन बोला जाता है. शिखर्स आर नोन एज द रेखा ड्यूल. ग्राउंड प्लान जो होता है दैट इज ऑलवेज स्क्वेयर. मोस्टली जो होता है मेन टेम्पल का दैट इज स्क्वेयर. नो यूज ऑफ पिल्लर्स, दिस इज इम्पोर्टेंट. नो यूज ऑफ पिल्लर्स हैज बीन डन इन उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. One distinct feature of this temples are exterior of the temples are lavishly carved. Generally क्या होता है, generally जो नगर style के temples थे उनका exterior ज़्यादा decorated नहीं होता था. Later stages में gateway used to be decorated, but in the initial stages there was not much decoration used. But in Odisha school, exterior of the temples was lavishly decorated. Their interiors generally डल, इंटीरियर्स जनरली डल होता था. उड़ीसा टेम्पल्स यूजुअली हैव बाउंड्री वॉल्स विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर नगर स्टाइल. ओके, इट इज़ सिमिलर टू द्राविडियन स्टाइल. वाइल मेजर नगर स्टाइल टेम्पल्स डू नॉट हैव बाउंड्री वॉल्स, इट इज़ एन एक्सेप्शन इन उड़ीसा स्कूल. ओके, उड़ीसा स्कूल में बाउंड्री वॉल्स होती हैं, थी. दिस इज़ द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा स्कूल. दिस इज सन टेम्पल लोकेटेड इन कोणार्क. ओके, दैट बिलोंग्स टू उड़ीसा स्कूल. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट दिस इज़ द अमलक. ये जो होता है ये दिस इज़ शिखर. शिखर केम टू बी नोन एज द रेखा ड्यूल. ओके, उसके ऊपर देन कलश. सो इस टाइप से ये होता है. नेक्स्ट कलिंग स्टाइल. कलिंग स्टाइल वॉज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द प्लान ऑफ एलिवेशन एंड डेकोरेशन. अदरवाइज इन कई सारे टेम्पल्स में दिस केम टू बी नोन एज द कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. बट कलिंग स्टाइल में ज़्यादा प्लैंड होता था जो टेम्पल आर्किटेक्चर होता था. इट वॉज वेरी प्लैंड एंड डेकोरेटेड होता था, लेविशली डेकोरेटेड ये होता था. लाइक लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, ग्रेट सन टेम्पल एट कोणार्क. ये सिमिलर ही है. इट इज़ उड़ीसा स्कूल को ही समटाइम्स इट इज़ नोन एज द कलिंग स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. Now Lingraj Temple, Bhuvaneswar, Odisha. I have written some of the distinct features of the temple, so please go through it. इसमें mainly ये चीज़ याद रखना कि it is built up of sandstone and laterite. Okay, sandstone and laterite का बना हुआ है. It is located in Bhuvaneswar and it is the largest temple in Bhuvaneswar. Kaling style of architecture which developed in Odisha, इसमें prominently दिखाया गया है Kaling style. Okay. नेक्स्ट इज कोणार्क, होम ऑफ द फेमस सन टेम्पल. यहाँ पर सन टेम्पल है. देर इज सम थिंग्स आर रिटन अबाउट द सन टेम्पल, सो प्लीज गो थ्रू इट. लाइक दिस इज द रेखा ड्यूल जो कि शिखर को बोलते हैं, तो ये आप देख लेना. मैंने आपको बेसिक टेम्पल का स्ट्रक्चर बता दिया है. जो सन टेम्पल है दैट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड, दैट इज सूर्य, एंड द टेम्पल इज देयरफॉर फैशन लाइक ए रथ. रथ टाइप से ऐसे टेम्पल जो है बनाया गया है, चैरियट भी जिसको बोलते हैं. द एंटायर सर्फेस इज फिल्ड विद स्कल्प्टेड फॉर्म्स, सम ऑफ द आउटस्टैंडिंग ब्यूटी, वाइल द अदर्स आर ऑफ ए मार्केटली इरोटिक कैरेक्टर. तो ये आप पढ़ लेना क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं. दिज आर जस्ट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट द टेम्पल्स जो कि कभी कभी UPSC पूछ लेता है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि दैट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल. तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप याद रख लेना. अदर जो टेम्पल्स है, दोज आर वेटल टेम्पल्स एट भुवनेश्वर. दिज आर माइनर टेम्पल्स, बहुत छोटे टेम्पल्स हैं. मेन जो बड़े टेम्पल हैं दोज आर लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी एंड सन कोणार्क टेम्पल. सन कोणार्क टेम्पल इज हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखना. ऑल दिस बिलोंग्स टू उड़ीसा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. वराही टेम्पल एट चौरासी इन द प्राची वैली, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर. आर नाउ इम्पोर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर prelims point of view. So ज़्यादातर mostly मैं हिंदी यूज कर रही हूँ दिव्य प्रकाश, तो कहीं पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना. वैसे mostly जो क्लास है वो हिंदी में ही चल रही है.
सो मुक्तेश्वर टेम्पल, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मुक्तेश्वर टेम्पल को जेम ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स ऑफ इंडिया. ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज द जेम ऑफ उड़ीसा आर्किटेक्चर. आप देख सकते हो ये जो फिगर है, आपने देखा होगा, दिस इज़ कॉमन इन सन टेम्पल. सन टेम्पल में भी यही जो पिक्चर है, और अदर टेम्पल्स में भी, मुक्तेश्वर टेम्पल में भी दिस इज़ द शिखर. ये बहुत बड़ा होता है, ऊपर जो होता है अमलक होता है, ऊपर कलश होता है. शिखर को रेखा ड्यूअल बोलते हैं. ओके, सो मुक्तेश्वर टेम्पल का प्रिलिम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है. एंड इट वॉज बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ सोमवंशी किंग्स ऑफ उड़ीसा ड्यूरिंग द 10th एंड 11th सेंचुरीज. नेक्स्ट इज खजुराहो स्कूल. खजुराहो स्कूल को चंदेल स्कूल भी बोलते हैं बिकॉज दे वर डेवलप्ड अंडर द चंदेल रूलर्स. चंदेल रूलर्स कहाँ थे? खजुराहो टेम्पल्स सबसे ज़्यादा सिंपल है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एमपी वाला जो पार्ट है वहाँ पर खजुराहो स्कूल मिलते हैं. और इसका सबसे प्रोमिनेंट फीचर है इरोटिक स्कल्पचर. ठीक है, इरोटिक स्कल्पचर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर. कहीं पर भी यूपीएससी अगर पूछेगा ना तो इन्हीं सबसे पूछता है. ठीक है, तो ये प्रोमिनेंट फीचर है. बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल्स वर डेकोरेटेड. टेम्पल्स वर मेड अप ऑफ सैंड स्टोन. सैंड स्टोन इज यूज एज द चीफ मटीरियल. आपने देखा होगा कि खजुराहो के जो टेम्पल्स हैं वो जैसे लक्ष्मण टेम्पल है वो वैसा है, मतलब लाइक रेड टेम्पल है. ओके, नो बेसिकली नो उतना बढ़ के नहीं मिलते हैं. इरोटिक स्कल्पचर के लिए खजुराहो टेम्पल तो स्पेसिफिकली जाना जाता है, बट उड़ीसा स्टाइल में, इन उड़ीसा स्टाइल लाइक इन सन कोनार्क टेम्पल, वेरी लिटिल इरोटिक स्कल्पचर आर फाउंड. बहुत कम मिलती हैं, मतलब बहुत रेयरली मिलती हैं. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलती है, रेयरली फाउंड. ओके, बट इन खजुराहो स्कूल इरोटिक स्कल्पचर्स आर मोस्टली मोर प्रोमिनेंट. ओके, ये जाने ही उसी के लिए जाते हैं. ओके, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टाइल्स. जनरली नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग होते हैं एंड दिज आर जनरली बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म. ओके, दिज आर जनरली बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म. टेम्पल्स हैड थ्री चैम्बर्स मेनली, गर्भगृह, मंडप, अर्ध मंडप. डू रिमेंबर, नॉट महामंडप. ठीक है, महामंडप नहीं मिलता है. नॉट द लार्ज होल बट द स्मॉलर होल्स आर फाउंड. गर्भगृह मिलता है. विश्वनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. एंड देन पंचायतन स्टाइल इसमें फॉलो होता है. पंचायतन स्टाइल इज फॉलोड इन ईच एंड एवरी नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में. पंचायतन स्टाइल इज प्रोमिनेंट. दिस वर पेट्रोनाइज बाई चंदेल किंग्स. कंड्रिया महादेव टेम्पल वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ खजुराहो टेम्पल. एक जो मैं बोलती हूँ ना, की फीचर याद करो हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ का एक कीवर्ड याद करो, सो दैट यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शंस. क्योंकि यूपीएससी में बहुत सारा जो गैस होता है, एक तो कैलकुलेटेड गैस लगाना सीखो. वो कब लगा पाओगे? व्हेन यू रिमेंबर द की फीचर्स. ओके, तो हियर द की फीचर इज कंड्रिया महादेव. यहाँ से याद करो, दिस इज द खजुराहो स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. दिस इज सम फैक्ट्स रिलेटेड टू द कंड्रिया महादेव टेम्पल. यू विल बी प्रोवाइडेड द PDF, प्लीज गो थ्रू इट. दिस इज नथिंग डिफरेंट, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है. इट इज़ डेडिकेटेड टू मेनली लॉर्ड शिवा. इट इज़ द टॉलेस्ट टेम्पल एट खजुराहो एंड दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड टू बी द मेन एग्जाम्पल ऑफ खजुराहो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. नाउ दिज आर द फीचर्स ऑफ कंड्रिया महादेव टेम्पल आर्किटेक्चर. वाई इट इज़ द बेसिक नगर स्टाइल, दैट इज यहाँ पर अंतराल होता है. अंतराल इज द डिफरेंस बिटवीन मंडप एंड गर्भगृह. गर्भगृह दिस इज शिखर, दिस इज अमलक, दिस इज क्लश. सो मेनी टाइम्स दिस हैव ऑलरेडी बीन रिपीटेड. और ये बेस प्लेटफॉर्म होता है, ये अप्रेस प्लेटफॉर्म होता है. दिस इज जगती. ओके, एंड यहां पर ऊपर अर्ध मंडप मिलता है. दिस इज मंडप. ओके, महामंडप उसमें नहीं मिलता है. खजुराहो में महामंडप इज नॉट फाउंड. सो दिस इज द लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो. इट इज मेनली नोन फॉर इट्स इरोटिक स्कल्पचर्स. ओके, इरोटिक स्कल्पचर्स के लिए मेनली. वैसे तो हर एक टेम्पल में, खजुराहो के हर एक टेम्पल में इरोटिक स्कल्पचर जो है वो प्रोमिनेंट फीचर है, बट हेयर इट इज़ मोस्टली नोन फॉर द इरोटिक स्कल्पचर्स. नेक्स्ट इज द सोलंकी स्कूल. सोलंकी स्कूल मेनली फ्लावरिस्ट इन गुजरात एंड राजस्थान. तो एक तो प्लीज़ टेल मी, अभी तक कोई भी डाउट हो, एनी बडी एनी डाउट रिलेटेड टू दिस अभी तक जो हुआ है टिल नाउ, इफ एनी बडी हैज एनी डाउट. सो ओके,
Solanki school jo tha, Solanki style, it mainly flourished in Gujarat. Okay, closest iska milta hai Rajasthani style se. To Gujarat aur Rajasthan usi ke beech mein ye flourish hua tha. Temple walls were devoid of any carvings. Carvings jo hoti hai mainly to Odisha school and Khajuraho school. These two schools are mainly known for the carvings. Is ye dono schools se zyada jane jate hain carvings ke liye. Odisha is more known kyunki exterior jo hota tha Odisha ka, that is lavishly carved. Okay, तो वही मैं आपको समझा रही हूँ सूरज, दैट इज मैं वही बता रही हूँ कि ईस्टर्न जो पार्ट था वहाँ पर जैसे सोलंकी स्कूल था, और वेस्टर्न जो पार्ट था, सॉरी वेस्टर्न पार्ट में सोलंकी स्कूल था, ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा स्कूल फ्लावरिश हुआ था, सेंट्रल में खजुराहो स्कूल था. डिफरेंसेस मैंने उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिफ्रेंशिएट जैसे तीनों में क्या क्या डिफरेंस थे. ओके, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं. देर वर मेनली थ्री सब स्कूल्स, तीन सब स्कूल्स थे, वो चीज़ें हमने पढ़ी हैं. गर्भ क्रिया इज कनेक्टेड विद मंडप बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली. यहाँ पर गेटवेज जो होते थे डेकोरेटिव होते थे एंड दे केम टू बी नोन एज द तोरंस. एंड दिस वॉज द टाइम जब गेटवेज पर डेकोरेशन होती थी, इनको तोरण बोला जाने लगा. तोरण को याद रखना हो तो उससे याद कर सकते हो, जब भी कोई व्हेन देयर इज एनी वेडिंग फंक्शन या एनिवर्सरी फंक्शन होता है तो गेट के ऊपर ऐसे फ्लावर्स टाइप से डेकोरेशन होती है ना, दैट इज नोन एज द तोरण बेसिकली. ठीक है, तो उससे याद रख लेना, तोरण आर द डेकोरेटेड गेटवेज. प्रेजेंस ऑफ स्टेप टैंक, एक स्टेप टैंक का प्रेजेंस भी सोलंकी स्कूल में मिलता है, विच इज नोन एज द सूर्य कुंड, बिकॉज वो सन फेसिंग होता है, बिकॉज इट इज सन फेसिंग एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज द सूर्य कुंड. स्टेप्स ऑफ द टैंक आर फुल ऑफ स्मॉल टेम्पल्स. जैसे मैं आपको दिखाऊं, जो ये इस टाइप से ये जो स्टेप्स हैं टैंक के, दिस इज द टैंक. ओके, दिस इज काइंड ऑफ पूल और ऐसे होता है जो स्टेप्स होती हैं. हेयर द स्मॉल टेम्पल्स आर फाउंड, स्मॉल नॉर्थ इंडियन स्टाइल टेम्पल्स. ओके, यस, इट इज सिमिलर टू द्राविडियन आर्किटेक्चर. दिस इज अगेन ए सिमिलैरिटी विद द्राविडियन. ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन नगर स्टाइल एंड द्राविडियन स्टाइल, देन यू कैन मेंशन दिस. ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल्स, फर्स्ट मेन एग्जाम्पल इज दिलवाड़ा डैन जैन टेम्पल माउंट आबू, दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान. दिस इज अ टाइप ऑफ सोलंकी स्कूल. ओके, इट इज द हाइएस्ट जैन पिलग्रिमेज, इट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म. प्लीज टू रिमेंबर इट, इट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म, नॉट हिंदुइज्म. ओके, एक्सक्विजिट एग्जाम्पल इज सन टेम्पल एट मोदेरा गुजरात. ओके, दिस इज लोकेटेड इन गुजरात. सोलंकी डायनेस्टी में इट वॉज बिल्ट इन 1026 AD. सो सूर्य कुंड इसमें मिलता है जिसको स्टेप टैंक बोलते हैं. दिस इज द स्टेप टैंक और ये मेन टेम्पल होता है. ये शिखर होता है, ऊपर अमलक कलश, अंदर जो होता है यहाँ पर मंडप होता है, गर्भगृह होता है. सो दिस इज द टाइप ऑफ टेम्पल. सो बेसिकली वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द थ्री सब स्कूल्स ऑफ नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. वी आर नाउ मूविंग ऑन टू द साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. सो यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है? किसी को मेरे प्लस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो भी पूछ लेना यहाँ पर, और जो भी प्रिपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज रिलेटेड है वो भी पूछ सकते हो. सो अब हम पढ़ रहे हैं साउथ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर. इन साउथ इंडिया मेनली द टेम्पल आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड दैट वाज द द्राविडियन स्टाइल. इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये दिख रहा होगा, ये जो होता है यहाँ पर ये कर्व्ड है, बट हेयर इट इज़ नॉट कर्व्ड, ये इस टाइप से राइज कर रहा है. दिस इज नोन एज द विमान. ओके, यहाँ पर ये शिखर है, यहाँ पर ये विमान है. वैसारा जो है, वैसारा में शिखर और विमान दोनों मिलते हैं, क्योंकि दिस इज द काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ बोथ, दोनों को मिलाकर एक आर्किटेक्चर ऐसे बनाया हुआ है. सो दिस इज मिक्सचर ऑफ नगर एंड द्राविडियन बोथ. ओके, नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया. मेनली जो पल्लव रूलर थे, पल्लव डायनेस्टी वॉज द बिगिनिंग ऑफ द्राविडियन आर्किटेक्चर. ओके, साउथ इंडिया में टेम्पल्स बिगिन हुए थे ड्यूरिंग द पल्लवा पीरियड अराउंड 6th century AD, और वो कई सारे स्टेजेस में हुए थे. जैसे फर्स्ट स्टेज वॉज द महिंद्रा ग्रुप एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ रॉक कट केव आर्किटेक्चर. दिस वर वेरी सिंपल टेम्पल्स एंड यूजली रॉक से बने हुए होते थे, रॉक कट करके बनाए जाते थे. मंडप जो वर्ड होता था दैट यू वॉज यूज फॉर टेम्पल्स.
टेम्पल्स के लिए मंडप वर्ड यूज किया जाता था, जबकि नॉर्थ इंडिया में टेम्पल मंडप क्या था? नॉर्थ इंडिया में, इन नॉर्थ इंडिया व्हाट वाज द मंडप मेंट? मंडप का क्या मतलब था? होल, यस, असेंबली होल, इट वाज द असेंबली होल. स्टेज टू वाज द नरसिम्हा ग्रुप. नरसिम्हा ग्रुप में उन्हीं रॉक कट टेम्पल्स में डेकोरेशन वाज स्टार्टेड, उन्हीं में डेकोरेशन का इनिशिएशन किया गया, एंड मोनोलिथिक रॉक्स आर्किटेक्चर भी बनने लग गई. पहले तो डिफरेंट रॉक्स से आर्किटेक्चर, टेम्पल यूज टू बी बिल्ट विथ डिफरेंट रॉक्स, जैसे दो तीन रॉक से काट के बनाया जाता था, बट इन नरसिम्हा ग्रुप वन सिंगल रॉक कट टेम्पल्स वर यूज, ओके, वर बिल्ट, ओके. तो मोनोलिथिक रॉक्स केम इन टू फॉर्म इन हेयर. रॉक टेम्पल्स नरसिम्हा ग्रुप के टाइम पर आने लग गया. तो ये सेकेंड स्टेज था. लेटर मंडप वॉज डिवाइडेड इन टू सेपरेट रथ. लेटर टाइम में जो मंडप, जो कि टेम्पल होता था, इट वॉज डिवाइडेड इन टू सेपरेट रथ. ये एक टाइप से रिफाइंड केव होती थी, एंड इट यूज टू बी फेमस फॉर ब्यूटी. इट वॉज लेविशली डेकोरेटेड. बिगेस्ट रथ को धर्मराज रथ बोलते थे, स्मॉलेस्ट रथ को द्रौपदी रथ बोला जाता था. तो ये याद रखना. एंड दीज आर जस्ट नेम्स टेकन फ्रॉम महाभारत. इट हैज़ नो रेलिवेंस इन महाभारत. महाभारत से सिर्फ नाम लिए गए हैं, दीज आर नॉट एसोसिएटेड विद महाभारत. क्योंकि क्या होता था पहले, ये जो रिलीजियस फैनेटिसिज्म है ये इंडिया में बहुत पहले से रहा है, ठीक है. और नॉट ओनली रिलीजन, जो हमारे पहले के एपिक्स हैं रामायण महाभारत, उनसे तो उनसे सिर्फ नाम पिकअप किए गए थे, ठीक है. दीज आर नॉट एनी वे एसोसिएटेड विद महाभारत. सो मंडप केम टू बी नोन एज द रथ. लेटर मंडप को रथास में डिवाइड किया जाने लगा. धर्मराज रथ जो है वो द्राविडियन स्टाइल से पहले था. द्राविडियन स्टाइल लेटर डेवलप्ड, ओके. द्राविडियन स्टाइल जो था वो लेटर डेवलप्ड हुआ था. जिस केव टेम्पल, रॉक कट केव टेम्पल, हाँ वो बोल सकते हैं हम, जैसे कई सारे हैं तो केव टेम्पल बोल सकते हैं, वी कैन से इट. सो दीज आर द टाइप ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर नरसिम्हा ग्रुप. लाइक वी कैन से ममल्लापुरम, विच इज ऑल्सो नोन एज द सेवन पेगोडा. इट इज़ ए टाउन. ये महाबलीपुरम जो है ये टाउन है तमिलनाडु में, ओके. ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट विजिटेड टाउन्स इन साउथ इंडिया, ओके. ममल्लापुरम जो है इट इज़ वॉज वन ऑफ द टू मेजर पोर्ट सिटीज बाय द सेवन सेंचुरी विद इन द पल्लवा किंगडम. यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स हैं, दोज आर कार्व्ड आउट ऑफ ए रॉक. प्लीज़ ट्राई टू रिफ्रेश हरीश, बिकॉज आई थिंक एवरीथिंग इज ओके विद अदर स्टूडेंट्स. ट्राई टू रिफ्रेश वंस. इज एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम विद द ऑडियो और वीडियो? ओके, थैंक्स. सो यहाँ पर जो ममल्लापुरम था, यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स बने. टेम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ रथाज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है द्राविडियन स्टाइल का. बहुत बहुत अच्छे से याद रखना इनको. रथाज मीन्स टेम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ चैरियट्स. इसमें और भी कई सारी चीज़ें होती थी, लाइक मंडप्स होते थे, केव मंडप्स को ही आगे रथ में सेपरेट किया गया था. एंड देवर लाइक केव्स टाइप से होते थे. जाइंट ओपन एयर रॉक रिलीफ सच एज द फेमस डिसेंट ऑफ गंजेस एंड द शोर टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा, दुर्गा, विष्णु, कृष्णा एंड अदर्स. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विश्वकर्मा कम्युनिटी पीपल. द कॉन्टेम्प्रेरी टाउन प्लान जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था 1827 में ब्रिटिश राज में. तो ममल्लापुरम एक बहुत ही फेमस जगह है तमिलनाडु में. वहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं. देर आर ए लॉट ऑफ टेम्पल्स. टेम्पल्स के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे 5 रथाज हैं वहाँ पर, एंड द नेम्स आर गिवन टू द पांडवाज, ओके. यहाँ पर जैसे डिसेंट ऑफ द गेंजेज एंड अर्जुनाज पिनाज, ठीक है. तो ये वर्ड आ सकता है. वंस यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से बिल्डिंग से ये एसोसिएटेड है. तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स इन ममल्लापुरम और महाबलीपुरम टेम्पल, ठीक है. महाबलीपुरम टेम्पल है तमिलनाडु में, इट इज़ लोकेटेड. वराह केव टेम्पल है, इट इज़ द स्मॉल रॉक कट टेम्पल, इट बिलोंग्स टू सेवन सेंचुरी. शोर टेम्पल है. शोर टेम्पल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ लोकेटेड ऑन द कोस्ट. यहाँ पर तमिलनाडु के कोस्ट पे इट इज़ लोकेटेड. एंड ये जो महाबलीपुरम टेम्पल है, इट इज़
a UNESCO World Heritage Site since 1984. This is the picture of Mahabalipuram temple. Panch Rath yahan par hai. There are five Rathas, those are known as the Pandav Rathas. Rathas are nothing but the Mandapas. Mandapas ko hi divide kiya gaya Rathas mein. Is a monument complex at Mahabalipuram and inko divide kiya gaya according to the names of the Pandavas. Like there are Dharamraj Rath, Bhim Rath, Arjun Rath, Nakul Sahadev Rath and Draupadi Rath. This is the largest Rath and this is the smallest Rath. Okay. ये पांच हैं 1 2 3 4 5 स्मॉलेस्ट जो है दिस इज द द्रौपदी रथ एंड दिस इज द धर्मराज रथ. धर्मराज रथ से ही आगे जो द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है वो डेवलप हुआ था. ओके मोनोलिथ्स हैं, दिस आर ऑल कार्व्ड फ्रॉम द सिंगल रॉक. एक ही रॉक से ये बने हुए हैं. ये और भी कई सारे फीचर्स हैं रिलेटेड टू महाबलीपुरम टेम्पल. यू कैन गो थ्रू दिस PDF लेटर. स्टेज थ्री द राजसीमा ग्रुप आफ्टर नरसिम्हा. सो अंशुमन रथ नगर स्टाइल में रथ होते ही नहीं थे. मतलब रथ हो सकता है कि रथ जैसे वाहन की फॉर्म में ऐसे हो सकता है, लेकिन द्राविडियन स्टाइल में मंडपाज वर डिवाइडेड इनटू रथाज. तो नगर स्टाइल में मंडप होता था. इट वॉज यूज टू बी ए बिग मंडप असेंबली हॉल. बट इन द्राविडियन स्टाइल वही मंडप रथाज में डिवाइड किया गया था, सेवरल रथाज. तो हम उनके बीच में डिफरेंट चुन ही नहीं सकते बिकॉज रथाज उसमें डिस्टिंक्टली डिफाइन नहीं है नगर स्टाइल में. ओके सो स्टेज थ्री वॉज द राजसीमा ग्रुप आफ्टर नरसिम्हा. दिस वॉज द थर्ड स्टेज ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. एग्जाम्पल्स इंक्लूड शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम. दिस आर द लार्जेस्ट सिंगल वर्क ऑफ आर्ट एवर अंडरटेकन इन इंडिया. ओके यहाँ पर रियल जो द्राविडियन स्टाइल था इट वॉज डेवलप्ड. और रियल द्राविडियन स्टाइल जो रथ स्टाइल था उसी से आगे बढ़ के शुरू हुआ था. ओके आगे आता है नंदी वर्मन ग्रुप. नंदी वर्मन ग्रुप के टाइम तक इट वॉज द डिक्लाइनिंग स्टेज ऑफ साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर. ओनली सम स्मॉल टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके लाइक मुक्तेश्वर टेम्पल दिस इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा स्टाइल. ठीक है उड़ीसा स्टाइल का ये एग्जाम्पल है बट ये इसके अंडर काउंट किया जाता है बिकॉज ये लेटेस्ट स्टेजेस में डेवलप हुआ था. So these are the type of Nandi Varman group temples. Only small temples are found here. So there were four main stages. First was Mahinder group, second was Narasimha group, third was Rajasimha group and fourth was Nandi Varman. Agar question ye aaye ki Dravidian style mostly flourish kisme hua tha, so it was during the Rajasimha group. Yahan par sabse zyada Dravidian style flourish hua tha, but here it was declined. Yahan tak aate aate wo decline ho gaya tha. Now Dravidian style of temple architecture under Chola rulers. So this was deployed for Hindu temples in Tamil Nadu in the 7th to 18th century. And mostly jo characteristics hain, those are first of all boundary wall or compound wall. ओके यहाँ पर अब चोला रूलर क्यों है, क्योंकि बिकॉज द्राविडियन स्टाइल वॉज एक्चुअली इनिशिएटेड बाय पल्लवा किंग्स बट चोला रूलर्स के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा एक तरह से चोला बेसिकली क्या थे, देवर लार्ज पेट्रोन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये चीज़ फ्लावरिश हुई थी, डेवलप हुई थी. कंपाउंड वॉल और बाउंड्री वॉल इज द मेन फीचर ऑफ द्राविडियन स्टाइल. द फ्रंट वॉल हैज एन एंट्रेंस गेटवे विच इज नोन एज द गोपुरम. गोपुरम लार्ज होता था. टेम्पल प्रीमाइस यूज टू बी इन पंचायतन स्टाइल. प्रीमाइस जो होता था वो पंचायतन स्टाइल में होता था. ठीक है ओनली द टेम्पल प्रीमाइस यूज टू बी इन पंचायतन स्टाइल इन सम ऑफ द टेम्पल्स. दिस इज द विरूपक्षा टेम्पल एट हम्पी. दिस इज द गोपुरम. ये एंट्रेंस होता था. यहाँ पर पिल्लर्ड होल्स होते थे. पिल्लर्ड होल भी एक सिमिलैरिटी है विद द नगर स्टाइल. नगर स्टाइल में भी पिल्लर्ड होल्स होते थे. दिस इज द वॉटर टैंक. ऑलवेज ए वॉटर टैंक यूज टू बी प्रेजेंट इन द्राविडियन स्टाइल. ओके यहाँ पर ये एक्चुअली मंडप होता था. ओके मंडप विच इज द जिसको बाद में कई सारे उसमें डिवाइड किया जाता. दिस वॉज द विमान ओवर द इनर सेंक्टम. इनर जो गर्भगृह होता था उसके ऊपर विमान होता था. इसमें शिखर अमलक कलश नहीं होते थे, इसमें विमान होता था डायरेक्टली. ओके बड़ा सारा ऐसे विमान होता था. ओनली वन विमान. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट.
Like in Nagar style, there were multiple shikhars. But in Dravidian style, there were not multiple vimans. Only one viman was present on the main temple. Jo main bada temple hota tha, uske upar hi ek viman present hota tha. Subsidiary shrines do not have any vimans. Theek hai? Subsidiary shrines par koi viman nahi hota tha. This is the boundary wall. These are the boundary walls. These are outer boundary walls. Inner boundary walls bhi hoti thi. Okay? Origins can be observed during the Gupta period. Earliest example includes 7th century rock cut shrines at Mahabalipuram. Mahabalipuram mein jo rock cut shrines hai, wahan se Dravidian style develop hone lag gaya tha. Short style se basically shuru ho gaya tha. Short style, short temple is a typical example of Dravidian style. For other examples include Brideshwar temple at Thanjavur. And subsequently कई सारे होने लग गए and जो जो सब shrines होती थी उनका भी अपना एक gateway होता था which used to be known as the Gopuram in later stages में Gopuram एक से ज़्यादा होने लग गए थे. So this is the structure of temple basically. Gopuram which is the entrance, Garbhagriha होता था इसमें, शिखर नहीं होता था actual में, विमान होता था इसमें. ठीक है, शिखर नहीं होता था इसमें द्राविडियन स्टाइल में. दिस इज एक्चुअली द बोथ का मिक्सचर दिखाया यहाँ पर, नगर और द्राविडियन का. द्राविडियन में विमान होता था, शिखर नहीं होता था, ये मंडप होता था. ठीक है, दिस इज लाइक, दिस इज द टिपिकल एग्जाम्पल. ये जो है दिस फिगर, दिस इज नोन एज द विमान. नाउ ये यहाँ पर मैंने चोला आर्ट अलग से डिफाइन की हुई है, ये आप प्लीज़ पढ़ लेना, क्योंकि ये उस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है कि द्राविडियन स्टाइल में हम पढ़े, बट चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज़ हाईली इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रिलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि दे वर ग्रेट पेट्रोन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. तो यहाँ पर ये देख लेना कौन कौन सी आर्ट जो है डेवलप हुई थी. दिस वॉज द एरिया विच वॉज अंडर द चोला किंग्स. ठीक है, ये एरिया जो था ये चोला किंग्स के अंडर था. यहाँ पर जो मेन टेम्पल्स थे वो जैसे वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, तो ये यू कैन गो थ्रू इट. दिस इज नथिंग टफ, कुछ भी टफ नहीं है. चोला पीरियड में जैसे ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वो मिलता है, ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द चोला पीरियड. सो चोला जो पावर में आए थे 9th सेंचुरी में आए थे, मैंने आपको जगह बता दी कहाँ कहाँ, मेनली श्रीलंका, मालदीव, आइलैंड, साउथ इंडिया में मोस्टली दे रूल्ड. दे ऑल्सो मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद अदर कंट्रीज एज वेल. एंड मेनली देवर लाइक, उन्होंने जितने भी आर्किटेक्चर, जितना भी ड्रामा पोएट्री उन्होंने किया, देवर एसोसिएटेड विद हिंदू गॉड्स. ओके, हिंदू गॉड्स से एसोसिएटेड थे. ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स जो थी इसमें कमीशन की गई थी, जैसे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है नटराज. लॉर्ड शिवा इज शोन इन द डांसिंग पोज. ठीक है, लॉर्ड शिवा की ये और नटराज जो स्कल्पचर है दैट इज़ द इम्पोर्टेंट फिगर. अगर हम ब्रॉन्ज स्टैचूज की बात करें तो अर्लीस्ट ब्रॉन्ज स्टैचूज इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलती हैं. आपको पता है जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी कहाँ से मिली थी, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली थी. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वॉज एक्सकेवेटेड फ्रॉम विच इंडस वैली सिविलाइजेशन, विच इंडस वैली साइट वी कैन से. यस, मोहन जोदारो, दैट्स द राइट आंसर. मोहन जोदारो से जैसे मिलती है. सो अर्लीस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू इंडस वैली सिविलाइजेशन था, बट इट रीच्ड इट्स पीक ड्यूरिंग द चोला पीरियड. चोला पीरियड में जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर थी इट रीच्ड इट्स पीक. यहाँ पर कई सारे ब्रॉन्ज स्टैचूज बनाई गई, लॉर्ड शिवा का जैसे नटराज है, लॉर्ड विष्णु की भी ब्रॉन्ज स्टैचूज जो थी वो बनाई गई थी. ओके, दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिलोसफी, पोएट्री, डांस, टेम्पल आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट एंड रिलीजियस डिवोशन, एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ टेम्पल्स जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं. यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत नटराज डांसिंग स्टैचू का बताया हुआ है, सो यू कैन गो थ्रू इट इन द PDF. दिस इज ऑल्सो सम ऑफ द बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ नटराज. तो ये भी आप देख सकते हो, ये प्रिलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड है कूथन, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द तमिलनाडु वर्ड कोथू, कूथू. ठीक है, तो नटराज के जो में जो डांसिंग शिवा है, नटराज में डांसिंग शिवा, ई समटाइम्स रेफर्ड एज द कूथन. ओके, डांसिंग शिवा, कोथू एक्चुअली ये तमिल वर्ड है, इट मीन्स डांस और परफॉर्मेंस. ए मेल डांसर इज टर्म्ड एज द कूथन. ओके, ऑल्सो नोन एज नटराज इन तमिल, मीनिंग
Natiyathin. Okay, dance bhi bolte. It is another word for dance in Tamil. I'm really sorry for the wrong pronunciation. This is a Tamil word. ठीक है, Tamil word है. इसका मतलब dance है. Prelims के लिए important fact है, तो इसलिए ये मैंने add किया था. Also important चीजें यहाँ पर हैं. Yes, male dancer who performs. ये this is highly important PDF. ठीक है, ये जो important, ये जो slide है, this is very important. यहाँ पर सबसे पहले the tallest Gopuram. A lot of people request, lot of people had doubt regarding this thing. ये मैंने अपने उसमें course में भी बताया हुआ है कि श्री रंगनाथ स्वामी temple जो है that has the tallest Gopuram. इसका सबसे बड़ा Gopuram है and जो it is located in Srirangam, Tamil Nadu. It is also known as the Srirangam temple. It is largest temple in Asia and it has the tallest Gopuram in the country. ठीक है, तो ये word आपको याद रखना है. हाईली इम्पोर्टेंट है, रंगनाथ स्वामी टेम्पल. उसके बाद मुर्देश्वरा टेम्पल है, इसका सेकेंड लार्जेस्ट विमान है, सेकेंड टोलेस्ट गोपुरम है. ओके, सेकेंड टोलेस्ट गोपुरम और विमान में डिफरेंस है अंशुमन. गोपुरम जो है वो गेटवे है, ठीक है, विमान जो है वो अलग से, वो जो स्ट्रक्चर है जो शिखर की जगह पर है वो विमान है. गोपुरम इज डिफरेंट एंड विमान इज डिफरेंट. ओके, एंड दैट इज़ वाई दो चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया हुआ है. टोलेस्ट विमान बिलोंग्स टू न्यू विश्वनाथ टेम्पल. ओके, या गोपुरम इज एंट्रेंस, एंट्रेंस जो है वो गोपुरम है. सेकेंड जो विमान है, सेकेंड टोलेस्ट विमान है, वो बृदेश्वर टेम्पल का है. बृदेश्वर टेम्पल एंड इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखना, ये चोलाज के टाइम पीरियड पे बनाया गया था. बृदेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन थंजावुर तमिलनाडु एंड इट इज़ ए द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोलाज पीरियड. इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट लिविंग चोलाज टेम्पल. तो ये चार मेन है, ये याद रखना. ठीक है, दिज आर द टू हाइएस्ट गोपुरम्स, दिज आर द टू हाइएस्ट विमान्स. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द अदर स्कूल्स ऑफ आर्ट. यहाँ तक किसी को डाउट हो, क्योंकि बहुत दो जो टाइप ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नगर एंड द्राविडियन. वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस किए. किसी को कोई भी डाउट है इन दिस क्लास? सो अब हम बढ़ रहे हैं आगे अदर स्कूल्स ऑफ आर्ट पर. उसमें सबसे पहले आते हैं नायकाज. नायकाज ऑल्सो नोन एज मदुरई स्कूल. ओके, मदुरई स्कूल भी बोलते हैं. पहले विजयनगरा एम्पायर जो थी, जो मेनली कर्नाटका वाला एरिया में थी, तो वहाँ जब विजयनगरा एम्पायर का फॉल हुआ था, आफ्टर दैट नायका मदुरई स्कूल रोज इन टू पावर. मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर यहाँ का है मीनाक्षी टेम्पल. मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई तमिलनाडु. इंपॉर्टेंट बस यही सब चीज़ें हैं कि तमिलनाडु में लोकेटेड है. ग्रेट टेम्पल कॉम्प्लेक्स हैज टू श्राइन्स. इंस्टेड ऑफ फाइव श्राइन्स, यहाँ पर दो श्राइन्स होती थी. ठीक है, तो पंचायतन स्टाइल यहाँ पर नहीं था, ये याद रखना. पंचायतन स्टाइल वॉज नॉट प्रेजेंट इन नायकाज मदुरई स्कूल. तो ये मीनाक्षी टेम्पल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल. हैव ऑल द फीचर्स ऑफ द द्राविडियन स्टाइल. एडिशनल फीचर था प्राक्रम. प्राक्रम होता था, जैसे मैंने आपको बताया था मंडप, जो नगर स्टाइल होता था उसमें मंडप से जाकर ऐसे सर्कम्बुलेटरी पाथ होता था, उसी टाइप से इसमें टेम्पल के चारों तरफ एक पाथ होता था. दैट केम टू बी नोन एज द प्राक्रम एंड इट वॉज ए डिस्टिंक्ट फीचर फ्रॉम द द्राविडियन स्टाइल. द्राविडियन स्टाइल में ये फीचर नहीं मिलता है. ठीक है, इंट्रिकेट कार्विंग्स आर सीन ऑल अक्रॉस द टेम्पल वॉल्स. इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों वॉल्स जो थी वो कार्व्ड होती थी. वॉल्स प्रेजेंट होती थी बिकॉज द्राविडियन स्टाइल में भी प्रेजेंट होती थी एंड इट इज जस्ट द सिमिलैरिटी ऑफ द्राविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर. ओके, ये टेम्पल आर्किटेक्चर का ही पार्ट है. सो बेसिकली वी कैन नॉट से कि मंडप में प्राक्रम होता था, बट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द टेम्पल प्राक्रम होता था. जैसे सर्कुलर पाथ होता था मंडप, मैंने आपको एग्जांपल बताया कि नगर स्टाइल में जैसे मंडप के अंदर जो सर्कम्बुलेटरी पाथ होता था, उसी तरह से ये टेम्पल में कई कई जगह पर प्रेजेंट होता था प्राक्रम. ओके, ह्यूज कॉरिडोर्स होते थे और उनका ऐसे सर्कुलर पाथ होता था, सर्कुलर पैसेज वे होता था. ठीक है, टैंक होता था,
टैंक होता था ऑब्वियसली, क्योंकि द्राविडियन स्टाइल में भी होता था, बाउंड्री वॉल्स होती थी द्राविडियन स्टाइल में भी होती थी, एंड वो लेविशली कार्व्ड होती थी, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स बोथ वर लेविशली कार्व्ड, ओके, सराउंडेड बाय स्टेप्स. द टैंक वॉज यूज फॉर रिचुअल बेथिंग. ठीक है, तो टैंक्स का मेन पर्पज था रिचुअल बेथिंग. दिस इज द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई. कभी भी आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत बार ये पिक्चर देखी होगी आपने. तो दिस इज मीनाक्षी टेम्पल बिलोंग टू नायका मदुरई स्टाइल. नाउ केम द वेसारा स्टाइल. इट वॉज ए मिक्सचर ऑफ नगर प्लस द्राविडियन. ठीक है, नगर और द्राविडियन का ये मिक्सचर था, एंड इट केम टू बी नोन एज द वेसारा स्टाइल. कई सारे प्रोमिनेंट वो स्टेजेस थे जिसमें ये डेवलप हुआ. उसमें से पहला जो स्टेज था दैट वॉज ड्यूरिंग द चालुक्याज ऑफ बादामी एंड कल्याणी. बादामी विच इज ऑल्सो नोन एज वातापी, इट वॉज कैपिटल ऑफ चालुक्या किंग्स. चालुक्या किंग्स ने अपनी कैपिटल यहाँ पर सेटअप की थी. आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है यहाँ पर, बस एग्जाम्पल याद रखना. चालुक्यास के अंदर एक तो रावण फडी केव्स थी इन एहोल कर्नाटका. उसके बाद लड़कान टेम्पल एट एहोल कर्नाटका. दिस ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग द चालुक्या किंगडम एंड दिस बिलोंग्स टू शिवा. दिस इज डेडिकेटेड टू शिवा एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स. इट बिलोंग्स टू वेसारा स्टाइल. ठीक है, वेसारा स्टाइल से ही ये बिलोंग करता है. इसका जो रूफ होता था वो वुडन होता था रूफ जो होता था टेम्पल का, इट यूज टू बी वुडन स्ट्रक्चर. दुर्गा टेम्पल एट एहोल कर्नाटका. ज़्यादातर जो चालुक्य किंगडम था दैट वॉज एक्चुअली वो वहीं तक प्रेजेंट था. ओके, वहीं तक ही लिमिटेड था. लाइक कर्नाटका वाला जो रीजन था, बादामी वॉज द किंगडम, एहोल, इन सब रीजन्स में ही उनके आर्किटेक्चर मिलते हैं. ओके, नाउ टेम्पल्स एट पतदकल कर्नाटका. दिस इज ऑल्सो चालुक्या किंगडम. दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू चालुक्या किंगडम एंड देर आर 10 टेम्पल्स एट पतदकल. 10 टेम्पल्स हैं, उनमें से वन इज जैन टेम्पल, अदर आर बुद्धिस्ट टेम्पल्स. ओके, इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो यहाँ पर एक तो बृहदेश्वर टेम्पल पढ़ा हमने जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक हमने महाबलीपुरम टेम्पल पढ़ा दैट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. थर्ड इज दिस, दिस आर द 10 टेम्पल्स एट पतदकल एंड दिस ऑल आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. ओके, इनमें से ये जो 10 टेम्पल्स है, 4 आर इन द्राविडियन स्टाइल, 4 आर इन नगर स्टाइल एंड 1 इज ए जैन टेम्पल. ओके, सो जैन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई राष्ट्रकूतास. इसके बाद जो किंग आए थे दोज वर राष्ट्रकूता. ये लास्ट टेम्पल थे, अमंग द लास्ट टेम्पल्स ये थे. तो राष्ट्रकूतास ने इनके जो जैन टेम्पल था वो बनाया था. विरूपक्षा टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड रिजेंबल्स द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम. जो विरूपक्षा टेम्पल है दैट रिजेंबल्स कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम ऑन प्लान एंड एलिवेशन. इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल जो मिलता है वो विरूपक्षा टेम्पल का ही मिलता है. दीज आर द टेम्पल्स ऑफ चालुक्या किंग्स. नेक्स्ट केम द राष्ट्रकूता स्टेज. राष्ट्रकूतास जो थे वो बाद में आए थे. मेन आर्किटेक्चर अचीवमेंट उनका था कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा. कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा वॉज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. ऑल्सो जैन टेम्पल एट पतदकल विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग राष्ट्रकूतास किंगडम. नेक्स्ट केम द होयसालास पीरियड. ओके, चोला एंड पांड्या पावर के बाद होयसालास केम इन टू द रेन. ओके, वो होयसालास वहाँ पर फ्लावरिश हुए थे कर्नाटका रीजन में. एंड द थ्री मेन टेम्पल्स वर टेम्पल्स एट बेलूर, हेलबिट एंड सोमनाथपुरम. अब यहाँ पर हम इनके फीचर्स ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि दिस वर ऑल सिमिलर टू नगर एंड द्राविडियन स्टाइल. कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलते. एंड यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पतदकल में देर वर 10 टेम्पल्स, 4 वर द्राविडियन, 4 वर नगर स्टाइल, 1 था वो जैन टेम्पल था. जैन टेम्पल इसलिए भी था क्योंकि जब पाल एंड सेंट स्कूल्स आए थे देवर एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. तो अभी तक थोड़ा थोड़ा माइनर इफेक्ट होने लग गया था बुद्धिज्म जैनिज्म का. अदरवाइज अब तक जो हमने टेम्पल्स पढ़े थे देवर और हिंदू टेम्पल्स. ओके, आई होप दैट्स क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए. ओके, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था दैट दे ग्रो एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स. यहाँ पर कई सारे एंगल्स ऐसे इस टाइप से स्ट्रक्चर इसकी होती थी, कई सारे एंगल्स में होते थे एंड दैट इज वाई स्टार लाइक स्ट्रक्चर इनकी होती थी. ओके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती थी एंड दे केम टू बी नोन एज द स्टिलेट प्लेन बिकॉज ऑफ देयर स्टार लाइक स्ट्रक्चर.
होयसालाज में यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है, द स्टार लाइक स्ट्रक्चर. द चीफ मटीरियल वॉज सॉप स्टोन. सॉप स्टोन वॉज यूज एज द चीफ मटीरियल लाइक दिस. दिस जैसे ये इस टाइप से ये टेम्पल्स होते थे. स्टेप टैंक होता था, दिस इज द द्राविडियन स्टाइल से मिलता है. और ये सारी चीज़ें होते थे सराउंडेड बाय द टेम्पल्स. तो इस टाइप से स्टार लाइक स्ट्रक्चर इसमें होती थी. इसको ये भी बोल सकते हैं जैसे सम हाउ इट रिजेंबल्स द पंचायतन स्टाइल. बट वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर मेन श्राइन होते थे, 5 सब्सिडरी श्राइन होते थे. बट यहाँ पर रादर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती थी. बट दे वर ऑल सिमिलर टू समवेयर सिमिलर टू लाइक सॉरी नॉट नगर एंड द्राविडियन. थोड़ी थोड़ी उसमें उसके फीचर्स इसमें मिलते थे, नॉट द एग्जैक्ट सिमिलैरिटी वी कैन से. सो इस टाइप से दिस वॉज द स्टार लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज टिपिकल ऑफ होयसालाज. ठीक है, होयसालाज का टिपिकल है. दैट इज वाई दे आर नोन एज द स्टिलेट प्लान. टेम्पल्स एट हेलबेद, दिस आर ऑल्सो, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. जैसे विरूपक्षा टेम्पल पॉपुलर है वेसारा स्टाइल में, उसी तरह से हेलबेद टेम्पल्स आर पॉपुलर इन होयसाला स्टाइल. दिस आर ऑल्सो नोन एज होयसालेश्वर टेम्पल्स. विष्णु धर्वन के किंग के टाइम पर दिस फ्लावरिश दिस वर मेड अप. दिस आर डेडिकेटेड टू शिवा एज नटराजा एंड कंटेन्स ए लार्ज हॉल फॉर द मंडप टू फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस. यहाँ पर जो मंडप था दैट वॉज टिपिकली यूज टू फैसिलिटेट म्यूजिक एंड डांस. तो इट वॉज रादर कंपेरेटिवली इट वॉज नॉट ए पिलग्रिमेज साइट, ऐसे नहीं बोल सकते हैं. जैसे नगर स्टाइल में क्या था कि टेम्पल्स यूजली मंडप सिर्फ इसलिए होता था कि पिलग्रिम्स यूज टू विजिट ए लॉट, क्योंकि वो ज़्यादा रिलीजियस पर्पज़ थे. बट यहाँ तक आते आते जो रिलीजन का प्रोमिनेंस था वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला गया था. ठीक है, नेक्स्ट केम द विजयनगरा पीरियड. विजयनगरा एम्पायर, विजयनगरा स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन 14th century. एंड इसमें सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स आए थे वो इसी टाइम पर आए थे. जैसे निकोलो डी कोंटी थे, इटली से आए थे. पोर्तुगीज कई सारे, ये सारे जो थे, ये अल रजाक जो कि हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, हु हैव लेफ्ट विविड अकाउंट्स ऑफ द सिटी. तो सबसे ज़्यादा एक तरह से मिलते हैं जो विजयनगरा के ही अकाउंट्स मिलते हैं. बिकॉज ऑल दिस ट्रेवलर्स, इनके जो ट्रेवल अकाउंट्स हैं, दे रोट ए लॉट अबाउट द विजयनगरा एम्पायर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो सदर्न इंडिया में स्टाइल जो डिफाइन किया जाता है दैट इज एक्चुअली द विजयनगरा स्टाइल. आर्किटेक्चरली दिस वॉज काइंडा सिमिलर टू द्राविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर विद इस्लामिक स्टाइल. ओके, इस्लामिक स्टाइल थे क्योंकि जो नेबरिंग सल्तनत थी उनका इम्पैक्ट अभी आने लग गया था. देयर स्कल्पचर्स टू विच वर कॉन्शियसली सीकिंग टू रिक्रिएट चोला आइडियल्स ओकेजनली शोज द प्रेजेंस ऑफ फॉरिनर्स. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थे, ड्यू टू द इंटरनेशनल, ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे या फिर अदर फीचर्स की वजह से द्राविडियन स्टाइल में फॉरेनर स्टाइल से भी सिमिलरिटी मिलती है. अब तक जितने भी स्टाइल्स हमने पढ़े दे वर ऑल इंडिजीनियस एंड दे वॉज लाइक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो था दैट वॉज वेरी वेरी लेस, बहुत ही मिनिमम था. बट हेयर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो था वो ज़्यादा सामने आया था. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आने लग गया था विजयनगरा स्टाइल में. एंड इट इस्लामिक स्टाइल, मुस्लिम्स का जो स्टाइल था वो भी इस टाइम पर मिक्सचर इसमें देखने को मिला था. इसमें मेन फीचर्स थे, वॉल्स वर हाईली डेकोरेटेड जस्ट लाइक द द्राविडियन स्टाइल. गोपुरम यूज टू बी बिल्ट ऑन ऑल द साइड्स, हर एक साइड पर गोपुरम होता था. मोनोलिथिक रॉक पिलर, एक ही रॉक से बने हुए होते थे, मोनोलिथिक होते थे. जनरली टेम्पल पिलर्स हैव ए माइथिकल क्रिएचर लाइक हॉर्स एनग्रेव्ड ऑन देम. ये जो है ये डिस्टिंक्ट है, दिस वॉज नॉट इन द्राविडियन स्टाइल. ठीक है, द्राविडियन में ये नहीं था, दिस इज डिस्टिंक्ट फीचर. एनक्लोजिंग वॉल्स जो थी वो कंपेरेटिवली लार्जर थी एज कम्पेयर टू अर्लियर स्टाइल्स. मोर देन वन मंडप, एक से ज़्यादा मंडप होता था. सेंट्रल मंडप भी होता था विच केम टू बी नोन एज द कल्याण मंडप. अब तक सेंट्रल मंडप नहीं होता था, अब तक सिर्फ 3 टाइप्स के मंडप थे, अर्ध मंडप, मंडप, महामंडप. बट सेंट्रल मंडप इसमें था विजयनगरा में, दैट केम टू बी नोन एज द कल्याण मंडप. कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलर बिल्डिंग्स इनसाइड टेम्पल प्रीमाइसिस वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ रिलीजन. इस्लामिक मिक्सचर था बट इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद मुस्लिम, इट वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म एज वेल. सेक्युलर बिल्डिंग्स होती थी. टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज एनक्लोज बाई बाउंड्रीज, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू द्राविडियन स्टाइल. ठीक है, सो दीज आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर.
और ये विजयनगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं। इसमें विजयनगरा टेम्पल्स जो होते हैं लाइक हम्पी में जो था, हम्पी वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगरा किंग्स, तो हम्पी में मोनोलिथिक लक्ष्मी नरसिम्हा, दिस इज द पिक्चर, लाइक दिस हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल रॉक, मोनोलिथिक है। बाउंड्री वॉल्स इसमें होती थी, मंडप होते थे, सेंट्रल मंडप भी होते थे जिसको कल्याण मंडप बोलते थे। सो दिस इज द विजयनगरा विजयनगरा स्टाइल। सो बेसिकली हेयर वी हैव टू वाइंड अप, जो पाल एंड सेन स्कूल है दैट इज लाइक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट मैं वो PDF में डाल दूंगी एंड यू कैन कलेक्ट द PDF ऑन द फेसबुक पेज। अभी मुझे आप डाउट्स बताओ, अभी तक जो क्लास में जो भी डाउट्स हैं या मेरे प्लस कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, बिकॉज दिस इज़ ए पार्ट ऑफ माई प्लस कोर्स, और आप कुछ भी डाउट्स हो मुझसे पूछ सकते हो अभी। सो फार एनी डाउट्स इन द क्लास और इन रिलेटेड टू माई कोर्सेज ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कोई भी डाउट्स हो। नोट्स के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये है कि ऑल द सोर्सेज आर रेफर्ड लाइक NCERT, NIOS और CCERT वेबसाइट एंड नितिन सिंघानिया सर की बुक है, तो वो सारे सोर्सेज रेफ़र किए हुए हैं, तो कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करोगे तो उसमें टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, PDFs उसमें मिलेंगी, तो वो आप चेक कर सकते हो। 29th October से शुरू हो रहा है कोर्स। Yes, those are more than enough, like almost everything I have covered, both like Wikipedia से every possible source से मैंने cover कर दिया है। Basic book basically आप जैसे बहुत सारी books हैं, जैसे क्योंकि पता है बात क्या होती है कि हमेशा एक जो material होता है that is not sufficient, so क्योंकि UPSC में कहीं से भी पूछ सकता है paper, कहीं से भी question आ सकता है, ठीक है, तो आपको NCERT और नितिन सिंघानिया सर की बुक आपको रेफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है, और CCERT से भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार विकिपीडिया से क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो यू नेवर नो, वन मटेरियल इज़ ऑलवेज नॉट सफिशियंट। कोई बेसिक बुक ऐसे मैं बोल नहीं सकती हूँ, हाँ नितिन सिंघानिया सर की बुक आप पढ़ सकते हो एक बार के लिए बेसिक क्लेरिफाई करने के लिए। ज्योग्राफी के लिए इस ज्योग्राफी योर ऑप्शनल या फिर वैसे ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है या फिर वैसे मतलब ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट इन प्रीलिम्स एंड मेंस। सो ऑप्शनल के लिए तो बेसिकली मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ज्योग्राफी इज़ नॉट माय ऑप्शनल, बट वैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए माजिद हुसैन की एक बुक आती है दैट इज़ मोर देन सफिशियंट, अदरवाइज NCERT ज्योग्राफी के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ऑप्शनल के लिए मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ आपको, ऑप्शनल में आपको मैथ्स या फिर फिलोसफी से रिलेटेड मैं बता सकती हूँ, अदरवाइज ऑप्शनल नहीं है। यस प्लस कोर्स इज़ कम्प्लीटली इन हिंदी, प्लस कोर्स जो है वो हिंदी एंड इंग्लिश एंड हिंदी बोथ में, बट दोज विल बी द लाइक सिंपल लैंग्वेजेस, सिंपल लैंग्वेज में होगा, जो ज़्यादातर लैंग्वेज होगी वो हिंदी यूज़ होगी। ओके गोचेंग लियोंग, यस ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए गोचेंग लियोंग द मस्ट रेफर मस्ट रिकमेंडेड बुक, जो गोचेंग लियोंग तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। बट ज्योग्राफी का क्या है कि ज्योग्राफी का जो वेटेज है ना, सिंस लास्ट 2 to 3 years ज्योग्राफी का वेटेज कम हो गया है, ओनली द मैप बेस्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड, मैप बेस्ड आर लाइक कि जो करंट में जो प्लेसेस न्यूज़ में है, प्लीज़ कीप योरसेल्फ अप टू डेट विद दोज,
करंट में जो प्लेसेस यूज में, जब भी ज्योग्राफी को पढ़ने बैठो तो अपने पास एक मैप, आपको मैप बुक जरूर रखो, क्योंकि क्वेश्चंस मैप बेस्ड ज़्यादा आ रहे हैं. बट सिंस यूपीएससी इज़ अनप्रिडिक्टेबल तो हम कुछ नहीं कह सकते. यस, गोचिंग लियोंग इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो. कर सकते हो नहीं, वो रेफर करनी ही है ज्योग्राफी में, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक. Any other doubts related to this class or related to other courses? So we can wind up the session now. And अगर आपके कोई भी doubts है तो आप Unacademy पर पूछ सकते हो, मेरे courses देख सकते हो आप. And please do join the Facebook page, discussion forum page, because I'm going to upload the PDF there very soon. So thanks a lot. Bye-bye.